डियर टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम दीक्षा पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमें पहले नॉमिनेशन करना होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें पहले नॉमिनेशन करना होता है। नॉमिनेशन करते वक्त हम अपना जो कंटेंट सैंपल है वो अपलोड करते हैं, जो भी कंटेंट या जिस टाइप का कंटेंट आप अपलोड करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपको उसका सैंपल अपलोड करना होता है। और जब आपका सैंपल अप्रूव हो देन यू नीड टू अपलोड कंटेंट। लेकिन इस वक्त हमारे स्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स ओपन है, एक्टिव है, हमें नॉमिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद हम उसे सबमिट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है नॉमिनेशन करने की, आप डायरेक्टली अपना कंटेंट जो है वो अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के या अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में। तो यहाँ पे हम जाएंगे गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे विद्यादान का जो वेब एड्रेस है वो vdn, ये देखिए ये है एड्रेस vdn.diksha.gov.in। लेकिन डायरेक्टली लॉगिन पेज में जाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे /contribute। लॉगिन करने के लिए हमें चाहिए ईमेल या मोबाइल नंबर और यहाँ पे हमें टाइप करना है पासवर्ड। अगर हमारे पास गूगल अकाउंट नहीं है या कोई और ईमेल एड्रेस नहीं है तो हमें यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। और अगर हमारे पास पहले से ही है कोई गूगल अकाउंट तो हम इस पे क्लिक करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास, मैंने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया हुआ है। और यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर करेंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, आप इससे पहले लॉगिन नहीं किया है, तो ये आपको पहले जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको ये वहाँ पे मांगेगा कि रजिस्टर एज, यानी आप एज इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हैं या आप एज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर रहे हैं। तो वो स्टेप आपका पहली बार करना होगा। लेकिन अगर आप अगली बार लॉग इन करेंगे तो वो आपको नहीं मांगेगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके हमें निकलेंगे ऑल प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त ओपन है या एक्टिव है वो यहाँ पे हमें विजिबल होंगे। और माय प्रोजेक्ट्स में जो हमारे स्टेट के प्रोजेक्ट्स है वो आपको नजर आएंगे, वो डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। वेट करते हैं हम कुछ वक्त। ये देखिए आप, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारे स्टेट के हैं या ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, माय प्रोजेक्ट्स में वो सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिन्हें हम जिनके लिए हम नॉमिनेट करते हैं या जो हमारे अपने स्टेट के होते हैं। अब देखिए मेरे प्रोजेक्ट्स में, या अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे इस वक्त, ये सारे प्रोजेक्ट्स ओपन है, 9th and 10th English, डाइट सपोर्ट का 10th साइंस, सारे साइंस 6th to 10th साइंस, NCERT के दो टेक्स्ट बुक्स हैं साइंस 9th और 10th, और ये है 6th to 8th English,
तो अगर हमने सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो हमें क्लिक करना है ऑल प्रोजेक्ट्स पे, और अगर हम अपने वो प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जो हमें अपनी स्टेट के हैं या जिनके लिए हमने सबमिट किया है सैंपल, वो सारे आएंगे माय प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे हम फिर से मैं क्लिक करूँगी माय प्रोजेक्ट्स पे। सपोज ये 6th इंग्लिश है तो हमें ओपन पे क्लिक करना है वहां पे। तो जब भी आप उस प्रोजेक्ट पे जिस पे जिसके लिए आप सबमिट करना चाहते हैं, अपनी कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो उस पे जाके आपने यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपको ये दिखेगा अपलोड कंटेंट बटन, तो उस पे आप क्लिक करेंगे। Let me wait a minute as long details will get fetched. ये देखिए आप, ये सारे चैप्टर्स इस टेक्स्ट बुक के जिसके लिए हम अपलोड करना चाहते हैं कंटेंट, 7th इंग्लिश है। सपोज माने अब कि मैं विंडोज या ट्रीज के लिए अपलोड करना चाहती हूँ अपना कंटेंट, तो मुझे क्रिएट न्यू पे प्रेस करना होगा। ये देखिए आप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, रिसोर्सेज है जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पोर्टल पे। तो ये हमें दिख रहा है वहाँ से, एक्सप्लेनेशन वीडियोज है, एक्सपीरियंशियल वीडियोज, क्लासरूम टीचिंग वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियो, लेसन प्लान, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो हमें कोई एक सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं वेरी शॉर्ट आंसर अपलोड करना चाहती हूँ, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे। इसी तरह जो भी आप, अगर आप क्लासरूम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप फिर कंटिन्यू पे, एक्सप्लेनेशन वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके फिर कंटिन्यू, लेसन प्लान तो उस पर क्लिक करके कंटिन्यू। तो जो भी टाइप ऑफ रिसोर्स आप अपलोड करना चाहते हैं तो उस पर प्रेस करके आप कंटिन्यू पे दबाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम रखे जाते, तो मुझे यहाँ पे अपना नाम देना होगा, टाइप माय नेम हियर। उसके बाद क्वेश्चन I will type question here, और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं वर्ड में क्वेश्चन बना के रख सकती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी व्हाट आर द टाइटल्स क्यों टू लर्न दिस क्वेश्चन, मैं यहाँ पे टाइप करूंगी। तो ये है मेरा क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन को बोल्ड करना चाहूंगी या इटैलिक या अंडरलाइन रखना चाहती हूँ, तो इन सारे ऑप्शंस पे जो मेरी डिजायर्ड ऑप्शन है उस पे मुझे क्लिक करना होगा। मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आंसर मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा। Different types titles given to Lal Dedar. Lal Dedar.
ललेश्वरी एंड ललित। तो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करूंगी और जो फॉन्ट साइज है उसे मैं रखूंगी 19। उसके बाद यहाँ पे चाहे जो भी आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, अपलोड करना चाहेंगे तो उसमें आपको प्रोसेस यही करनी है, बस आपने क्वेश्चन का साइज जो है वो डिफरेंट रखना है। शॉर्ट आंसर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के लिए लॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कि आप कौन सा सॉल्यूशन किस टाइप का चाहते हैं आप। तो मैं सिलेक्ट इमेज करूँगी, उसके बाद से जो क्रीडेंशियल्स है वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। लाइसेंस जो है वो आपको रखनी है CC BY 4.0 हर एक कंटेंट में, हर एक प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद मैं प्रेस करूंगी, मुझे सेव करना होगा, सेव। तो जो भी आप कंटेंट अपलोड करेंगे उसको आपने सेव करने की जरूरत पड़ेगी। पहले सेव के बाद अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तो वहाँ पे दिखेगा सबमिट, और अगर आपने नॉमिनेशन किया है और वो अप्रूव हो गया है तो आपने पब्लिश पे दबाना होगा या आपको पब्लिश पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो सेव करने के बाद आपको ऐड क्वेश्चन पे दबाना होगा। ऐड क्वेश्चन के बाद फिर से वही प्रोसेस, आपने क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे आंसर देना है, यहाँ पे फिर सॉल्यूशन टाइप कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे फिर ये सारे क्रीडेंशियल्स, एट्रीब्यूशंस, कॉपी एंड राइट, कॉपी राइट एंड ईयर लाइसेंस। तो ये सारे करके जब आप इनको सेव करेंगे, सेव के बाद इन्हें जितने आपको क्वेश्चन अपलोड करने हैं वो आप जब उनको टाइप करना एंड करेंगे, या ये कि जब आप पब्लिश करना चाहते हैं आप इस टॉपिक के लिए, आप इतनी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में देना चाहते हैं, तो तब तक आपको सेव करना है। जब सेव करके आपने सपोज अपने 5 क्वेश्चन ऐड करने, अपलोड करने, अपने 5 क्वेश्चन ख़त्म किए, सेव करने के बाद उसको पब्लिश करना है। इसी तरह अगर आपने वीडियो अपलोड किया या आप चाहते हैं कि आप वीडियो अपलोड करें, आप लेसन प्लान अपलोड करें, आप क्लास वीडियो अपलोड करें, आउट ऑफ द 6 जो भी आउट ऑफ द 8 कहीं पे होते हैं हमें टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, आउट ऑफ द कंटेंट्स जिस पे भी आप, जो भी आप सेव करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, प्रोसेस सेम है। बस वहाँ पे वीडियो में आप सपोज आप जाएंगे, वीडियो में आप क्या करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे वीडियो में जब आप वीडियो अपलोड करना चाहेंगे तो वीडियो सिलेक्ट वीडियो पे आप, वो आपको फाइल में ले जाएगा। आप रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज आप एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आप देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हियर, तो आपको सिलेक्ट फाइल्स करनी है। सिलेक्ट फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा अपने सिस्टम पर, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका वीडियो है वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद ओपन, तो यहाँ पे वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड के बाद वही दिखाएगा आपको कि आपने अपने क्रीडेंशियल्स देने हैं, अपना नाम देना है और जो बाकी क्रीडेंशियल्स है वो आपको देने होंगे। That we have a quick recap now. सबसे पहले हम जाएंगे Google ब्राउजर में।
उसके बाद हमें वेब एड्रेस जो है वो टाइप करना होगा सर्च बार में, vtn.diksha.gov.in/contribute। उसके बाद हम जाएंगे लॉगिन पेज में, वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे ईमेल एड्रेस से या जो हमारा एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट है उसे, या अगर हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो हमें रजिस्टर करना होगा। फिर हमें जाना होगा उस प्रोजेक्ट पे जिसके लिए हम अपना कंटेंट अपलोड करना चाहते होंगे। सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं अपना कंटेंट अपलोड करना चाहती हूँ, सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड कंटेंट पर। उसके बाद आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी विल चूज द वन विच वी वॉन्ट टू अपलोड, एनी वन ऑफ दीज एट, देन वी नीड टू कंटिन्यू। कंटेंट अपलोड करने के बाद हमें जो क्रीडेंशियल्स है वो इंटर करनी होंगी, और इंटर करके हम उस कंटेंट को पहले सेव करेंगे, फिर पब्लिश या सबमिट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम दीक्षा के लिए जो कंटेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। होप सो। थैंक यू सो मच।